जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी प्यारे और समझदार श्रोताओं के सामने एक बार फिर साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर आप सभी को इस सप्ताह की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी ओर से और ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की ओर से। आइए अब जानते हैं साप्ताहिक राशि भविष्य तारीख 24 जून से लेकर 1 जुलाई तक का। इस सप्ताह में होने वाली घटनाएं कुछ इस प्रकार हैं। सोम प्रदोष है 25 तारीख को और वट सावित्री व्रतारंभ है, तो सभी को बधाइयाँ, हमारी सुहागिने बहनों को बधाइयाँ। सोम प्रदोष, सोमवार के दिन जो प्रदोष पड़ता है बहुत इम्पॉर्टेंट होता है शिव जी की आराधना के लिए। इस दिन अपने बच्चों के लिए व्रत किया जाता है। इसी दिन बुध कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे शाम को 6:04 पर। इसके बाद 27 तारीख को वट पूर्णिमा है और इसी दिन मंगल वक्री हो जाएंगे। इसी दिन पूर्णमासी सुबह 8:12 के बाद लग जाएगी। 28 तारीख पूर्णमासी खत्म हो जाएगी सुबह 10:22 पर और इसके बाद सीधा 1 तारीख को संकष्टी चतुर्थी है और संकष्टी चतुर्थी में गणेश जी का व्रत किया जाता है सभी प्रकार के विघ्न पार करने के लिए। महीने में एक बार आती है ये और इस दिन चंद्र का उदय रात को 9:42 पर होगा। चंद्र देखकर उसे थोड़े से चावल चढ़ाकर फिर व्रत खोला जाता है। तो आइए जानते हैं साप्ताहिक राशि भविष्य। बुध कर्क में प्रवेश कर गए हैं और मंगल वक्री हो चुके हैं। हमने एक शुरू किया था कि आपको थोड़ा सा ज्योतिष के विषय में, उपायों के विषय में बताएं। मैंने चंद्रमा के विषय में बताया था, अब आपको मैं बता दूं कि चंद्रमा जो है वो मन का भी कारक होता है और आपकी माता का भी कारक होता है। तो अगर आप उदास रहते हैं किसी कारण तो अपनी माँ के पैर रोज छुआ करें जिसकी वजह से आपका मन प्रसन्न रहेगा। तो चलिए जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि तक का साप्ताहिक राशि भविष्य। मेष राशि, मेष राशि के लिए अब बुध महाराज जो हैं कल आपके प्रवेश कर जाएंगे कर्क राशि में। राहु शुक्र और बुध का एक अजीब सा कॉम्बिनेशन है आपके चतुर्थ में जिससे आपको सुखों में थोड़ी कमी महसूस हो सकती है। अपनी माता की तबीयत का ध्यान रखना है, अपने घरेलू विवाद बढ़ाने नहीं हैं, अभी रेनोवेशन का टाइम नहीं है। और साथ ही साथ आपको एक बात बता दूं कि अभी कोई वाहन खरीदने का भी टाइम नहीं है। सूर्य बने हुए हैं आपके पराक्रम पर जिसकी वजह से आपका पराक्रम बढ़ा रहेगा और आपके काम जो है उत्साह और पराक्रम से बनेंगे। आप जोरदार तैयारियां करेंगे अपने कामों की। अभी मंगल वक्री हो जाएंगे 27 तारीख के बाद में और इस वजह से आपको थोड़ी सी बेचैनी हो सकती है अपने कार्यस्थल पर। हो सके तो आप त्र्यंबक में जाप है महामृत्युंजय का जाप कर सकते हैं और श्री गणेश की आराधना कर सकते हैं। आपके शादी के योग चल रहे हैं, वर वधु अगर आप देखना चाहते हैं तो एक बात ध्यान में रखिए, अभी गुरु वक्री है, उसके बाद गुरु जल्द ही मार्गी होने वाले हैं तो शादी के योग भी खुलेंगे आपके। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी शुक्र जो है उसके साथ अब बुध आ जाएगा तो उसको सपोर्ट मिल जाएगा और काफ़ी बेटर फील करेंगे आप अपने धन लाभ को लेकर, अपनी यात्राओं को लेकर जो पहले आपको बेचैनी हो रही थी। लेकिन जो धन लाभ होगा उससे आपको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं है, हालांकि आपके वाणी में ओझ है, आपकी कोई बोलने से काउंसिलिंग कंसल्टेशन का बिजनेस चल सकता है। अभी जो पेट की प्रॉब्लम है या जो मसल्स और नर्व्स की प्रॉब्लम है उसके लिए आप कर सकते हैं महामृत्युंजय के जाप या श्री कृष्ण की आराधना किसी प्रकार से। और जो मंगल वक्री होंगे तो आपको भाग्य की चिंता ना सताएं, इसलिए आप करते रहिए त्र्यंबकम या जामहे के जाप या कर सकते हैं श्री गणेश की आराधना। इसके साथ ही आपके षष्ठ में गुरु जो थे अब मार्गी हो रहे हैं तो काफ़ी रिलीफ महसूस होगा, विरोधी शांत होंगे। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए आपके लग्न में बैठा बुध अब खिसक कर द्वितीय में जा रहा है आपके लग्न का स्वामी और आप थोड़ी सी बेचैनी महसूस कर सकते हैं अपनी पर्सनालिटी में। आपको लीफी वेजिटेबल्स, मूंग साबुत, ऐसे जो चीज़ें हैं जिससे आपके अंदर ताकत बढ़े, आपको थोड़ी एनर्जी फील हो, वो चीज़ें खाइए आप। और आप सूर्य की टहल ले सकते हैं, सूर्य में टहलने से आपके व्यक्तिमत्व में ओझ बना रहेगा और D3 की कमी भी पूरी होती रहेगी। इसके साथ ही आपका व्यक्तिमत्व आजकल उजागर है, आपकी चारों तरफ प्रशंसा है, इस प्रशंसा को एंजॉय कीजिए। अभी जो मंगल महाराज वक्री हो रहे हैं आपके अष्टम में, हेल्थ का ध्यान रखिए और हेल्थ के ध्यान के लिए आप खाने पीने को सही कर लीजिए, गलत खान पान ना करिए और बाजार का ना खाइए। कर्क राशि,
कर्क राशि के लिए अब जो लग्न में आ रहे हैं बुध, उससे होनी है थोड़ी बेचैनी। आपके विपरीत स्वभाव के स्वामी हैं बुध और इस वजह से आप अगर अपने प्रेम संबंधों को लेकर या अपनी यात्राओं को लेकर, छोटे भाई बहनों को लेकर बेचैन होते हैं। एक बात ध्यान रखिए, आप पानी ज़्यादा पी के अपनी बेचैनी खत्म कर सकते हैं, लिक्विड पदार्थ ज़्यादा ले सकते हैं, अपने खाने पीने में चंद्रमा का दर्शन कर सकते हैं या इसके अलावा आप सामंजस्य बनाकर अपने स्वभाव में नरमी लाकर अपने आप को संयमित रख सकते हैं। अभी फिलहाल संयमित रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपके लग्न में तीन विपरीत स्वभाव के ग्रह इकट्ठा हो रहे हैं, राहु, शुक्र और बुध। मंगल महाराज आपके बैठे हुए हैं सप्तम भाव में और अभी वक्री होने पर आपको अपनी विवाहित जीवन में सुख शांति रखनी है। आपके षष्ठ में बैठा मंगल आपके विरोधियों को शांत कर रहा था, बट अभी जो मंगल आपके वक्री हो जाएंगे उससे आपको कार्यस्थल पर विरोध लगेगा या आपको माइंड से और बच्चों से विरोध लगेगा। आप गणेश जी की आराधना करें, हनुमान जी की आराधना करें, सभी निर्विघ्न कार्य हो जाएंगे आपके। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए आपके बुध आदित्य योग बना हुआ है आपके लाभ में। पैतृक संपत्ति से संबंधित विवाद आपने सुलटाए हैं, आपको बहुत अच्छी तरह धन लाभ हुआ है। अब मौका है आप अपना धन लाभ पैसा संभालें और विदेश रिलेटेड यात्राओं में या प्रेम संबंधों में अपना पैसा खराब ना करें। एक बात ध्यान रखें, जो पैसा कमाना जितना मुश्किल है उतना पैसा संभालना भी मुश्किल होता है। आपके पराक्रम स्थल पर गुरु के बैठने की वजह से आपकी लेजीनेस में इजाफा ना हो, इसलिए आप एक्सरसाइज, योग और मेडिटेशन करते रहें। बच्चों के प्रति ज़्यादा कड़वापन ना करते हुए आप विनम्रता से अपने पारिवारिक मसलों को सॉर्ट आउट कीजिए। अभी मंगल के वक्री होने से आपको विरोधियों की परेशानी ना हो, इसलिए आप कर सकते हैं शिव जी की आराधना, आप महामृत्युंजय के जाप कर सकते हैं या किसी गुरु के शरण में जा सकते हैं। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी बुध बड़ी अच्छी स्थिति में था बहुत दिनों से और आपको व्यवसाय में बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा था, आपको पिता से अपने फायदा हो रहा था। अब जाके बुध की स्थिति बदलेगी और बुध की स्थिति बदलने से आपका माइंड तो व्यवसायी होगा लेकिन थोड़ा धन लाभ रुकेगा और जब धन लाभ रुकेगा तो बेचैन ना हो। आप कर सकते हैं किसी प्रकार से माता की, दुर्गा माँ की आराधना, आपका धन लाभ रुकते रुकते भी आपको थोड़ा बहुत मिलता ही रहेगा। और मंगल के वक्री होने से अगर माइंड परेशान होता है आपका या आपको बच्चों से कोई नाराजगी होती है तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है, अपने परिवार से ना मनमुटाव करते हुए शांति से ये वक्त काटना है एक महीने का और आप कर सकते हैं महामृत्युंजय के जाप। तुला राशि, तुला राशि के लिए आपके लग्न में बैठा गुरु वक्री चल रहा है जिससे आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं। शुगर वगैरह अपना कंट्रोल में खाइएगा, खाना पीना अपना कंट्रोल में रखिएगा, बाजार का सेवन मत कीजिएगा। अभी जो बुध आदित्य योग बना था भाग्य में उससे काम ऑफर हो रहे थे, शनि की वजह से भी आपको ढेर सारे काम ऑफर हो रहे हैं लेकिन ये जो काम ऑफर हैं उसके लिए तबीयत तो ठीक रहना ज़रूरी है। आप अपनी माता की तबीयत का और अपने पिता की तबीयत का एज वेल दोनों का ध्यान रखिए, घरेलू सुखों का भी ध्यान रखिए, कला क्लेश में ना पड़िए, ना कार्यस्थल पर और ना घर में। और अपने आप को संयमित करने के लिए आप दुर्गा सप्तशती पढ़ सकते हैं, आप माँ के जाप कर सकते हैं, ओम ऐं ग्रीं क्लीं मुंडा बिछे के जाप कर सकते हैं। फिलहाल जो आपको सूर्य से फायदा हो रहा है उसको उठाइए लेकिन एट द सेम टाइम आपके सूर्य शनि आपस में सामने आमने देखते हैं तो इसलिए सूर्य के दर्शन कर सकते हैं, आप सूर्य को जल नहीं चढ़ा सकते। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए आपके द्वितीय में बैठा शनि आपको आउटस्पोकन बनाता है और आप जो हैं ज़्यादा बोल के अपने पैसे का नुकसान करते हैं, इस वजह से आपको अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल रखना है, अपने परिवार में सुख शांति बना के रखनी है। अभी मंगल के वक्री होने से अचानक आपका उत्साह कम होगा और आप थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाएंगे लेकिन ये स्लो डाउन होने की ज़रूरत नहीं, आप कर सकते हैं शिव जी की आराधना, शिव जी को अनेक प्रकार से आप पूजा पठन करके उनके जाप करके अपनी स्थिति को बरकरार रख सकते हैं। अभी बुध निकलेगा अष्टम से तो काफ़ी बेटर फील करेंगे आप और आपकी जो लाभ की स्थिति है वो आपके मेहनत से जो आपको लाभ हो रहा था वो छिटपुट हो जाएगा। प्रेम संबंधों में अभी आपके उसी तरह से अनबन है और विदेश रिलेटेड यात्राओं से आप बेचैन हैं
आप थोड़ा शांत हो जाइए। 11 अक्टूबर के बाद जब गुरु महाराज बदलेंगे तो स्थिति काफ़ी बेटर हो जाएगी। धनु राशि, आपके लग्न के स्वामी तुला के घर में बैठ के बड़े दिनों से और आपके लग्न में शनि बनने से आपको बहुत ज़्यादा लेजी बनाकर, आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में डालकर या टेंशन में डालकर रखा हुआ है, जिस वजह से आप अपनी निर्णय नहीं ले पाते। अपने निर्णय अपने काम के विषय में और अपनी पर्सनैलिटी के विषय में आप थोड़े से कन्फ्यूज़ हैं। इस कन्फ्यूजन से बाहर निकलने के लिए एक ही उपाय होता है, प्रैक्टिकल होना, और प्रैक्टिकल होना सबसे अच्छा होता है। आप एक्सरसाइज करें, योग करें, मेडिटेशन करें, दौड़ने के लिए जाएं। अगर आपकी हेल्थ अच्छी रहे तो सभी काम भी आपके अच्छे होंगे। आपको पत्नी पार्टनर विवाहित जीवन से काफ़ी सपोर्ट है। आप किसी गुरु के शरण में जा सकते हैं। श्री गणेश की आराधना अगर आप लगातार करते रहें तो आपको काफ़ी फायदा होगा। श्री गणेश की आराधना और महामृत्युंजय के जाप अभी मंगल वक्री होने के बाद आप लगातार करते रहिए। आप सूर्य के दर्शन भी कर सकते हैं जिससे आपके भाग्योन्नति हो सकती है। फिलहाल मेरी आपको सलाह है कि अपनी तबीयत, अपना पेट संभालें और बाहर का खाना पीना बंद करें। मकर राशि, मकर राशि के लिए आपके लग्न में बैठा मंगल अब वक्री होने जा रहा है, जिससे आपको अपनी टोटल हेल्थ का ध्यान रखना है। आपको अपने बोलने चलने, पर्सनालिटी, इन सब चीज़ों पर खूब सारा ध्यान देना है। आपके द्वादश में शनि बैठा आपको पहले ही आगाह करता है कि आपको अपनी तबीयत का ध्यान रखना है। अब मंगल के वक्री होने पर आप बिल्कुल अपनी तबीयत का ध्यान रखते हुए अपनी चीज़ों को संभालिए। और जो ये बुधादित्य योग बना हुआ था, ये आपके विदेश रिलेटेड कार्यक्रम बना रहा था, कर रहा था, अब बुध सन्मुख आएगा तो आप काफ़ी खुद को आश्वस्त महसूस करेंगे पहले से, और व्यवसायी की तरह बिहेव करेंगे। अभी फिलहाल आपके बच्चों से जो आप नाराज़ हैं, फिर भी आप एक याद रखिए बात कि ये स्थिति को कंट्रोल में आप ही कर सकते हैं। आप दुर्गा सप्तशती के पाठ और ओम महालक्ष्मी नमः के जाप कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको गुरु की मूवमेंट भी कंट्रोल में करने के लिए दुर्गा सप्तशती या महालक्ष्मी के ही जाप करने हैं। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी शनि काफ़ी स्वस्थ दिशा में, आप काफ़ी धन अर्जित कर चुके हैं, लेकिन अभी फिलहाल सूर्य शनि सन्मुख होने से आप थोड़े कन्फ्यूज थे, लेकिन फिर भी धन तो आता रहा। अब मंगल के वक्री होने से आपको द्वादश में अपने प्रेम संबंधों में चिड़चिड़, झगड़ा और अपने वाणी पर कंट्रोल, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। ना हो तो आप नारायण की, श्री कृष्ण की आराधना करके अपने विचारों को कंट्रोल में कर सकते हैं। आपके षष्ठ में बुध आने से वो स्थान बली तो हो जाता है और कंट्रोल में रखता है आपके प्रेम संबंधों में और आपके पढ़ाई और विद्या पढ़ाई, जो अचानक आपकी बहुत आपने कोशिश करके और जो अच्छे रिजल्ट्स लाए हैं, तो अभी आपकी जो कोशिशें हैं कि आपको विदेश में एडमिशन मिल जाए, तो थोड़ा सा आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन अपनी कोशिश जारी रखिए, आपका काम हो जाएगा। आपके गुरु वक्री होने से जो भाग्य में रुकावटें हैं, वो मुझे लगता है ज़्यादा दिन की बात नहीं, 15-20 दिन की बात है, आप बेटर फील करेंगे। मीन राशि, मीन राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी गुरु वक्री, शनि वक्री और अब मंगल वक्री होने जा रहे हैं। तो मंगल वक्री होते अपने पैसों को समेट लीजिएगा। पैसों को किसी पैतृक संपत्ति या किसी जमीन जायदाद के लिए लगा के और उनको नष्ट करना कोई समझदारी की बात नहीं होगी। अपनी माँ से जो आपको सपोर्ट मिला इन दिनों, और जो घरेलू सुख मिला और आपको जो सलाहें मिली, उस पर चलते रहिएगा। और साथ ही साथ अगर माइंड परेशान होता है ज़्यादा, तो आप शिवजी की आराधना भली भांति करते रहें, महामृत्युंजय का जाप करते रहें, अपने पेट को, अपनी पर्सनैलिटी को, अपनी तबीयत को ठीक करने के लिए। मेरी आपसे विनम्र सलाह है कि आप जो हैं किसी गुरु के शरण में जा सकते हैं या आप शिव जी और महाकाली की आराधना कर सकते हैं। इसके साथ जो शनि महाराज वक्री होकर आपके दशम में बैठे हैं, वो आपके कार्य को थोड़ा स्लो करते हैं। अभी आप डिसीजन लेने की स्थिति में नहीं हैं। धीरे 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 आपके सारे कार्य अच्छे हो जाएंगे। जो आपको बच्चों से रिलेटेड डिसीजन लेने हैं और उनसे जो मनमुटाव है, उन पर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। फिलहाल बुध की स्थिति की वजह से आपको अपने विवाहित जीवन में भी सामंजस्य बना के रखना पड़ेगा। और मंगल महाराज आपके परिवार के और आपके भाग्य के स्वामी हैं, तो अपने ये जो आते महीने में कोई भी घरेलू बातें और कोई भी अपने भाग्य से रिलेटेड कोई परेशानी को लेकर चिंता ना कीजिए, टाइम बीइंग बात है, ये निकल जाएगा। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी साप्ताहिक राशि भविष्य।
ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा है कि पौधे लगाइए, पॉल्यूशन हटाइए और व्यवसाय की स्थिति अच्छी कीजिए, बुध की स्थिति अच्छी कीजिए अपनी कुंडली में, अपने जीवन में। इसके साथ ही वृद्धों की सेवा कीजिए, वृद्धों की सेवा राहु शनि केतु की जो शांति आप ढूंढते हैं वो अपने घर के वृद्धों की और समाज के वृद्धों की सेवा करने से राहु शनि केतु की शांति हो जाती है और एक स्वस्थ समाज की रचना होती है। आज के लिए बस इतना ही। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय।